एग्जाम्पल टू, इस एग्जाम्पल में भी हम सेट एक्स एक फोर पॉइंट सेट ही चूज करेंगे और उसके एलिमेंट्स भी वही होंगे. एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी. लेकिन जिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स को हम चूज करेंगे वो हमारे पास टाओ से डिफरेंट है. दिस टाइम वी हैव टाओ डैश दैट इज इक्वल टू फाई सेट ए सेट सी सेट ए सी ए बी सी ए सी डी एंड एक्स. आइए देखते हैं कि क्या ये सब कलेक्शन टाओ डैश टोपोलॉजी डिफाइन करती है या नहीं. इट इज क्लियर दैट कि फाई एंड एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ टाओ डैश. नेक्स्ट सेकेंड एक्सियम, द आर्बिट्री यूनियन शुड बी इन टाओ डैश. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास कुछ कलर्स वाले सेट हैं, एक पर्पल कलर का, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का. ये तीनों कलर्स डिफरेंट एलिमेंट्स की यूनियन को शो कर रहे हैं. अगर आप इन ब्लैक सर्कल वाले एलिमेंट्स को देखें, ए एंड सी आर द पार्ट ऑफ दिस सब कलेक्शन, और इस पर्पल कलर के रीजन को देखें तो आप देखेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स का यूनियन ए सी इज द पार्ट ऑफ दिस सब कलेक्शन टाओ डैश. मैं यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सब कलेक्शन का वर्ड मैं पावर सेट की सब कलेक्शन के लिए यूज कर, लेकिन अगले आने वाले टॉपिक्स में हम सिंपली कलेक्शन का वर्ड ज्यादा यूज करें. चलिए वापस आते हैं. अब देखते हैं ए बी सी एक नया एलिमेंट है, ब्लू कलर के रीजन में शो हो रहा है. अगर आप रेड कलर के एलिमेंट को देखें तो ये भी आपको एक नया एलिमेंट नजर आ रहा है. आप यहां पे इन पांचों में से दो, कोई भी तीन, कोई भी चार या कोई भी पांच एलिमेंट्स उठा के उनका यूनियन लेंगे तो वो इसी टाओ डैश में आएगा. मैं फिर कहूंगा कि हमने एक्स और फाई को चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि फाई के साथ मैं किसी की भी यूनियन लूंगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा, और एक्स के साथ किसी की भी यूनियन लूंगा तो मेरे पास एक्स ही आ जाएगा. तो इनको ना चेक करने का मकसद ये नहीं है कि इनको चेक करना जरूरी नहीं है. इनको ना चेक करने का मकसद यहां पे अपने थोड़ा सा वर्कलोड को कम करना है. इसी तरह अगर आप किसी भी दो एलिमेंट्स की यूनियन को देखें, फर्ज करें आप सी एंड ए बी सी की इंटरसेक्शन को देखते हैं तो आपके पास एलिमेंट सी ही आता है. अगर आप ए बी सी और ए सी डी की इंटरसेक्शन को देखते हैं तो आपके पास रिटर्न में ए सी आ जाता है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है. मकसद बात करने का यह है कि किसी भी दो एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन को देखें तो हमारे पास ये टाओ डैश क्लोज है अंडर इंटरसेक्शन, यानी कि फाई एंड एक्स आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाओ डैश. दिस टाओ डैश इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्री सेट यूनियन. नंबर थ्री, दिस सब कलेक्शन इज आल्सो क्लोज्ड अंडर
फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन। इन दो एग्जांपल्स को देखने के बाद हम एक छोटे से नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके पास एक सेट x हो तो ऐसा पॉसिबल है कि उसके ऊपर दो से ज्यादा टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती, दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी। लेकिन सिर्फ एक सेट ऐसा है जिसके ऊपर हम सिर्फ एक ही टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते, दैट इज अ सिंगल पॉइंट सेट। सो वी हैव आवर रिमार्क वन, मोर देन वन टोपोलॉजीज कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी टोपोलॉजीज वी कैन डिफाइन ऑन सम स्मॉल सेट्स। इसमें हमने एक वन पॉइंट सेट, एक टू पॉइंट सेट और एक थ्री पॉइंट सेट को देखते। सबसे पहले हम वन पॉइंट सेट को देखते। लेट x इज इक्वल टू अ वन पॉइंट सेट ए, सो वी हैव ओनली वन टोपोलॉजी, दैट इज फाई एंड x। आइए एक और सेट y लेते हैं जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स a, इसमें देखते हैं कि हम कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। टोपोलॉजीज एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए नेम वाइज, सो हमने सबस्क्रिप्ट वन का यूज किया है क्योंकि फाई हर टोपोलॉजी का पार्ट होना चाहिए, सो हमने उसको पहले नंबर पे लिखा। ये आपके पास सेट वाई था tau 2 phi, set b and y tau 3 phi, the set a b and y, and the last but not least tau 4, that is equal to the set phi g. The set A, the set B, the set AB, that is equal to y. तो हमारे पास एक टू पॉइंट सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टोपोलॉजीज फोर है। आइए अब लिस्ट डाउन करते हैं एक थ्री पॉइंट सेट के ऊपर कितनी टोपोलॉजीज राइट डाउन की जा सकती, क्योंकि थ्री पॉइंट सेट के ऊपर बहुत ज्यादा टोपोलॉजीज राइट डाउन की जा सकती हैं, बट फाइनाइटली मैनी। मैंने इन सारी टोपोलॉजीज को यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया है। अ थ्री पॉइंट सेट एक्स इज इक्वल टू A, B, C, and this is the list of the topologies. आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास tau 1, tau 2, tau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 तक ये कुछ और topologies हैं. So we have total 29 different topologies on a set X that is equal to A, B एंड C। यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तीन पॉइंट सेट के ऊपर 29 टोपोलॉजीज डिफाइन की जा सकती हैं तो आपको कितनी लंबी लिस्ट राइट डाउन करनी पड़ेगी एक फोर पॉइंट, फाइव पॉइंट या इससे भी ज्यादा एलिमेंट्स। और अगर सोचें तो अगर मेरे पास एलिमेंट्स इनफाइनाइटली मैनी है तो मेरे पास कितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगे।